ठीक है। तो गुड मॉर्निंग, मेरा नाम राहुल कुशवाहा, आप देखना शुरू कर चुके हैं आरटी एडवेंचर का यूट्यूब चैनल। तो आज मेरा सफर होने वाला है नई दिल्ली से दरभंगा, जो जाने वाले बिहार संपर्क के सुपरफास्ट ट्रेन में। जस्ट ट्रेन आज मैं ऑनबोर्ड करने वाला हूँ। डेट हो चुका है आज की 25 अक्टूबर 2022। और आप देख सकते हैं मैं कितनी भीड़ है जो बिहार संपर्क ऑनबोर्ड करने वाली है, वो भी छठ पूजा में। मैं दिखाता हूँ आपको पीछे का व्यू क्या है। ये भीड़ जो देख रहे हैं आप बिहार संपर्क की ट्रेन के लिए है, जो अभी 1 बजे का टाइम है। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 12:13, और भीड़ इतनी है कि लग नहीं रहा है हमारा भी हम अपने कोच में बैठ सकते हैं, जो हमारा सेकंड एसी क्लास है। तो आगे चलते हैं, ट्रेन को आने का वेट करते हैं, मुश्किल से 10 मिनट में आ जाएगा। यह है बिहार संपर्क ट्रेन, जो मतलब अभी के टाइम में 12:50, 10 मिनट मात्र बचा है, और 10 मिनट पहले ये ट्रेन आई है। और भीड़ कुछ नहीं पता है, आरपीएफ ने कंट्रोल कर रखा है भीड़ को, क्योंकि जो जनरल बोगी पीछे लगती थी ना, उसको आज कन्वर्ट करके आगे कर दिया गया, जो चारों के चारों कोच आगे लगेगी। आगे भी आरपीएफ है और पीछे भी पूरी की पूरी टीम लगे हैं। इतनी भीड़ के ट्रेन में 12:50 हो गया, मात्र 10 मिनट टाइम बचा है। वो फिलहाल मैं सेकंड एसी में लगा हूँ, बहुत भीड़ होने के कारण क्या होता हूँ। मैं दिखाऊँ कुछ इस तरीके का व्यू रखा है सेकंड एसी का, जो बिहार संपर्क का है। और इसमें कुछ फीचर्स दिखा देता हूँ, क्योंकि आगे भीड़ होने के बाद नहीं दिखा पाऊँगा। तो एक बिछाने वाला कंबल, एक ओढ़ने वाला कंबल, तकिया दो, और कवर में टॉवल होगा, और सारे कुछ है मेरे पास बेनिफिट। और एसी में दो पेयर में होगा, एक ऊपर का और एक नीचे का। ऊपर अपना है, ये अपना है। यहाँ बहुत भीड़ है जो मतलब बिहार संपर्क के जाने के लिए है, और भीड़ अभी जाके फिलहाल ख़त्म हुई है। और सारे कोच के बाहर आरपीएफ के जवान लगा दिया गया है, जो एसी और सेकेंड एसी में है, कि यहाँ पे कोई और बंदा ना अंदर आ सके। ये फिलहाल ट्रेन है बिहार संपर्क, और मैं खड़ा हूँ गेट के बाहर। मैं जा रहा था अभी सीट पे, तो कुछ इस तरीके का माहौल हो रखा था कि इतनी भीड़ हुई थी ना, छठ पूजा स्पेशल ट्रेन में बोल नहीं सकता कि हम स्पेशल में चढ़ते तो क्या हाल होता। यह बिहार संपर्क बिहार जाने की सबसे सुपरफास्ट ट्रेन में कही जाती है राजधानी के बाद। और अभी निकलने में कुछ ज़्यादा टाइम लग गया था, आधे घंटे डिले ट्रेन निकली है, 1:30 बजे के आसपास ट्रेन निकली है। तो आगे मैं दिखाता हूँ कि कैसे अभी स्लो स्लो कहाँ पहुँची ट्रेन को। ये तिलक ब्रिज है, तिलक पुल है, ठीक है। और ट्रेन की रफ्तार कुछ इस प्रकार हो रखी है, अभी देखते हैं आगे क्या आने वाला है। तिलक ब्रिज पार कर गया, और ये ना रेलवे अपार्टमेंट कुछ इस प्रकार बनाया गया है। खाने में कुछ ज़्यादा ही आइटम है नहीं, आलू गोभी के साथ पनीर की सब्जी है, बट पनीर उतनी टेस्टी नहीं है। देखते हैं आलू गोभी में क्या है, ठीक है आलू गोभी खाने के लिए, लेकिन पनीर सही नहीं। और एक चावल और दाल, दाल का तो पता नहीं है कैसा है, ऊपर ऊपर तो पानी पानी दिख रहा है, नीचे पता नहीं क्या है। दाल भी ठीक है, एवरेज है। चलिए खाना को एंजॉय करते हैं, मिलते हैं आगे। तो फिलहाल टाइम हो रहा है 8 बज गया, और इस ट्रेन की टाइमिंग थी 6:10, जो बिहार संपर्क को मैंने ऑनबोर्ड किया था दिन में 1 बजे, जो ट्रेन 1:30 बजे खुली थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे ये पहुंची 8 बजे। अप्रॉक्सीमेट 2 घंटे की डिले चल रही है ट्रेन। और इस स्टेशन की और एक बात बताऊँ, कोई भी स्टेशन पर कहीं भी भीड़ आपको देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि अभी चल रहा है छठ पूजा का त्यौहार। और इस ट्रेन की खाना बताएं तो इतना भी टेस्टी नहीं लगा यार, खाया मैं थोड़ा आलू की सब्जी सही थी, और पनीर तो वैसे ही था। मैंने उससे बिल मांगा, आपको बताया कि बिल दिया नहीं उसने, देखते हैं आगे बिल के बारे में क्या बातचीत चल रही है। अभी हमारा ना कोच ना सबसे पीछे है, क्योंकि आपने देखा था उस टाइम कि जनरल जो कोच होते हैं ना, जनरल कोच को पीछे से दोनों हटा के आगे इंजन के पास किया गया था। और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मतलब इस स्टेशन पे कोई भी नहीं है, जो उतरने वाले पैसेंजर है 2-4 पैसेंजर उतरेंगे, और कुछ ही पैसेंजर ऑनबोर्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो यहाँ के जो बहुत सारी लोकल ट्रेनें चलती है छपरा और बिहार के लिए, क्योंकि यहाँ से मुजफ्फरपुर और लखनऊ तक अलग अलग रूट के लिए ना अलग अलग रूट की ट्रेन चलती है। तो चलते हैं आगे, इस ट्रेन को ऑनबोर्ड फिर से करते हैं, और देखते हैं
क्या हमें मिलता है ट्रेन में डिनर में, क्योंकि लंच तो अपन ने कर लिया था, पनीर की सब्जी थी और अप्रॉक्सीमेट पनीर की सब्जी थी और आलू की सब्जी और रोटी चावल। तो चलते हैं आगे, देखिए ट्रेन कुछ इस तरीके से क्लीनिंग हो रखी है। फिलहाल टाइम हो चुका है डिनर का, उन्होंने जैसे बताया था डिनर हमारा आ चुका है, अभी का टाइम हो रखा है 10 बज गया है, लेट हो चुका था डिनर में। डिनर में ये राइस, प्लेन राइस, एक सफ़ेद गुलाब जामुन, सफ़ेद रसगुल्ला, मटर पनीर की सब्जी और आलू में कुछ मिक्स है एंड दाल। ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है खाना। तो जैसा कि मैंने अभी बिहार संपर्क की जर्नी कर रहा था तो रात हो गई थी, तो वीडियो शूट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि ट्रेन में इतनी भी लाइट नहीं थी और स्टेशन पर भी बहुत भीड़ था, उतरने और चढ़ने में भी हमें दिक्कत हो रही थी। तो मैं फिर आ गया अपने घर और स्टेशन पे वीडियो शूट नहीं किया। तो मैं आपको फेयर नहीं बताया था, फेयर के बारे में बताऊं तो अगर मैं आप थर्ड एसी में जाते हो तो आपको 1900 रुपये तत्काल का फेयर है और 1300 से 1400 रुपये आपको नॉर्मल का फेयर है। सेकंड एसी की बताऊं तो 2100 रुपये नॉर्मल फेयर है, 2400 रुपये तत्काल की फेयर है और उसके बाद चलते हैं स्लीपर में। नॉर्मल फेयर है 600 रुपये और स्लीपर की तत्काल की फेयर आती है 750 से अप्रॉक्सीमेट फेयर आती है। और ये ट्रैवल अच्छा लगा अपने को ट्रैवल करके, बट इसमें थोड़ी सी परेशानी हमें झेलनी पड़ी, वॉशरूम भी इतनी क्लीनिंग नहीं था, फूड की बात करूँ तो फूड भी इतना बेस्ट नहीं था यार। क्या खाना खाया, पानी पानी सा दाल था, रोटी भी वैसे ही था, कब का बनाया हुआ था पता नहीं है, लेकिन सफ़र अपने को छठ पूजा में गाँव जाना था तो इसलिए हमने ज़्यादा चीज़ इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहा। तो वीडियो कैसी लगी अब हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।